हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर गर्ल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यू नो, स्किन को लेके हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सो मैं आप लोगों को एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, बहुत ही वन स्टेप वाली होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे आप घर बैठे अपनी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोई बना सकते हो और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में। सो ये बहुत ही इजी स्टेप है, बस आपको 15 मिनट्स देने हैं आपके स्किन के लिए और उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। सो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल की, जो है नेचुरल एलोवेरा जेल। सो ये एक लीफ देख रहे हो आप एलोवेरा जेल की, जिसको अभी मैंने अपने प्लांट से कट करके नाइफ की हेल्प से इसे लेकर आई हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस टाइप से, और ये जो चैलेंज है वो 10 डेज का है। लाइक मैंने इस एलोवेरा जेल को 10 डेज अपने फेस पे अप्लाई किया है एंड जो मैंने फील किया है कि वाकई में जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वो किस टाइप से हमारी स्किन पे वर्क करता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो ये मैंने अभी भी कट किया है, और इससे पहले मेरे पास में जो एलोवेरा का प्लांट है वो बहुत ही छोटी छोटी लीव्स वाला है। सो इससे पहले मैंने जो कट किया था उसको मैंने 7 to 8 डेज अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई किया एंड देन मैंने फील किया कि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाती है एंड थोड़ी सी ग्लोई दिखती है, बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं दिखती है क्योंकि 10 डेज के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। सो थोड़ी सी ग्लोई सी मुझे दिखी, और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो मेरा स्पॉट था पिंपल का, मुझे वो थोड़ा सा लाइट हो गया, दैट्स इट। ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। सो आपके पिंपल के मार्क भी अगर थोड़े से लाइट होते हैं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। सो फर्दर स्टोर करने के लिए मैंने इस लीफ को कट किया अभी अपने प्लांट से एंड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आप, मैं इसको किस तरीके से अच्छे से क्लीन करके और किस टाइप से स्टोर करके अपने रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, ताकि हमेशा जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले एलोवेरा जेल की, जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है, उसको अपने फेस पे अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ के, और जो 15 मिनट होने के बाद में नॉर्मल सा कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश करके और मैं अपने बेड पे जाती हूँ सोने के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी प्रोसीजर है अपनी स्किन को घर बैठे ग्लोई एंड स्मूथ बनाने का। सो यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि मैंने किस टाइप से इसको क्लीन करके अपने बॉक्स में रखती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है या प्लेट वगैरह, जो भी जार वगैरह आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लेना है और उस पर फॉइल अच्छे से लगा देना है। और उसके बाद में हम लेंगे एलोवेरा और उसको ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो कवर होता है, सिर्फ उसको रिमूव करेंगे, नीचे के कवर को नहीं हटाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं सिर्फ ऊपर का कवर हटा रही हूँ। तो इस टाइप से आपको एलोवेरा के स्मॉल स्मॉल क्यूब्स बना लेने हैं, ताकि जब आप यूज़ करो तो उनको कटिंग करके यूज़ कर सको या डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सको। नीचे वाला जो कवर होता है वो आपको नहीं हटाना है। तो इस टाइप से आपको क्यूब्स बना लेने हैं स्मॉल स्मॉल पोर्शन में। जब क्यूब बन जाते हैं तो आपको जो फॉइल बाउल हमने बनाया था उसमें आपको क्यूब्स को रख देने हैं, और उसके बाद में आपको इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख देना है। और जब भी आप इसे यूज़ करो तो इसे बाहर निकाल के डायरेक्टली अपने फेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो एलोवेरा जेल जो है, जिसमें बहुत सारे विटामिंस होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोई बनाता है, एक्ने को कंट्रोल करता है, और अगर हमें सनबर्न हो जाता है तो भी उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। सो एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो अप्लाई करने से हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बनता है। आपको एलोवेरा को डायरेक्टली अपने फेस पे हल्के हाथों से रब करते हुए अप्लाई करना है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ही हार्श तरीके से नहीं लगाना है इसको। सो लगाने के बाद आपको 15 मिनट्स तक छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद में आपको कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। सो मैंने अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए। तो आपको बहुत ही स्मूथ एंड जेंटली अपने हाथों से, फिंगर की हेल्प से, आपको अपने फेस पर एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है। वॉश करने के बाद आप मेरे फेस को देख सकते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट, सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होम रेमेडी है।
आई होप गाइज आप लोगों को ये सिंगल स्टेप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। वैसे तो आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलते हैं, पतंजलि का हो गया, खादी का हो गया, बहुत सारे नेचुरल ब्रांड्स आते हैं, आयुर्वेदिक ब्रांड्स आते हैं, उनके आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। बट लाइक एलोवेरा प्लांट जो है आजकल सभी के घरों में होता है, नहीं भी होता तो आप अपने नेबर से मांग के ला सकते हो। सो बहुत ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में नेचुरल प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। सो डायरेक्टली आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये होम रेमेडी या वन स्टेप वाला एलोवेरा जेल का जो बोलते ना मेथड या होम रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बनाती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड एंड प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, पर्सनली आप मुझे जानते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड जीमेल पे मुझे मेल कर सकते हो। और आगे की वीडियोज़ के लिए आप मुझे भी बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। आप लोगों के लिए मेरी ये एलोवेरा की जो छोटी सी जानकारी है वो हेल्पफुल रहेगी विथ माय 10 डेज चैलेंज, कि मैंने इसको यूज़ किया, कैसे ये हेल्प करता है। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।